हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कल्केरिया फॉस के बारे में। दोस्तों, कल्केरिया फॉस का जो सबसे की फीचर है वो हमने लिखा है डिसकंटेंटमेंट। ठीक है, मतलब नेवर सेटिस्फाइड। चाहे बच्चे हो या बड़े हो, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते। डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा है आपकी दवा से, डॉक्टर साहब ये देखिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं किसी भी चीज़ को लेके। इस रूब्रिक्स को कभी हम उठाएंगे और इसको काफ़ी मतलब डिटेल करेंगे। डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लेके वो ऐसा लगता है कि मतलब इनको क्या हो गया है, डॉक्टर इनको दवा दो, अच्छी से अच्छी दवा दो, डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा है। आराम तो है डॉक्टर साहब, लेकिन उतना नहीं आराम हो रहा है जितना आराम होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को लेके, बच्चे को लेके डॉक्टर साहब 90% तो लाया है, लेकिन डॉक्टर साहब हम चाह रहे थे 95% लाता मेरा बेटा तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से ये लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है इनके अंदर। तो ये कल्केरिया फॉस के बच्चों में भी और बड़े भी लोगों में भर भर के मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई आए और हर बार कहे या फिर आप कोई दवा दिए हो आराम भी है तब भी कह रहा है कि नहीं आराम है, तो इस रूब्रिक्स को भी आप यूज कर सकते हो। हालांकि इस मेडिसिन में बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, बाकी ये सेंसिटिव होता है, सिंपैथेटिक होता है। ठीक है, सेंसिटिव हर एक चीज़ से होता है, सिंपैथेटिक होता है फॉस्फोरस लग गए तो। दूसरों की देखभाल करना, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, सिंपैथी देना, ये सब इसको अच्छा लगता है। एंजाइटी अबाउट अदर, ये तीनों कंटेंट जो लगा है, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, एंजाइटी अबाउट अदर, ये प्रोमिनेंट सिम्टम है फॉस्फोरस के। तो ये फॉस्फोरस कल्केरिया के साथ जुड़ के इसमें भी आ गया। डिजायर टू ट्रेवल, ये भी फॉस्फोरस का प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो कल्केरिया फॉस में भी डिजायर टू ट्रेवल है, जैसे ट्यूबरकुलिनम में भी है। तो डिजायर टू ट्रेवल, छोटे बच्चे होंगे वो भी वांडर ऑफ करेंगे, ट्रेवल करेंगे, इधर से उधर घूमेंगे आपके चैम्बर में। तो आप एक पल के लिए ट्यूबरकुलिनम सोच सकते हो, कल्केरिया फॉस सोच सकते हो, टेरेंटुला सोच सकते हो। ठीक है, तो ये सब मेडिसिन जो है क्या होती है, वांडर ऑफ करती रहती है, ट्रैवलिंग करती रहती हैं, खास करके ट्रैवलिंग। वांडर ऑफ में ट्यूबरकुलिनम, फियर ऑफ थंडर स्ट्रॉम, ये भी फास्फोरस का कंटेंट है। डार्क एनिमल्स, बीइंग एलोन, कल्केरिया के साथ। ठीक है, फास्फोरस को भी बीइंग एलोन से दिक्कत होती है, उसको चाहिए कंपनी डिजायर। तो कल्केरिया फॉस को भी चाहिए कंपनी डिजायर। थोड़ा सा ये मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि क्या कल्केरिया का है, क्या फास्फोरस का है ना, ताकि आप कल्केरिया फॉस को समझ जाएँ। तो सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, एंजाइटी अबाउट अदर, डिजायर टू बी ट्रेवल, इनको ट्रैवलिंग पसंद होता है, आप एक कन्फर्मेटरी सिम्टम के तौर पे पूछ सकते हो। फियर ऑफ थंडर स्ट्रॉम, बिजली चमकती है तो इसको डर लगता है, डार्क से डर लगता है। एनिमल्स या बीइंग एलोन्स, ठीक है। इनर डिसकंटेंटमेंट, ये तो हो गया। एलिमेंट्स आफ्टर सडन बैड न्यूज, ये टॉप मेडिसिन है। अगर किसी को सडन बैड न्यूज के बाद से, अरे फ़ोन आया कि आपके बेटे की मौत हो गई, उसके बाद से जो है कुछ भी हो सकता है उस फीमेल को, या कोई भी ऐसा सडन बैड न्यूज आने के बाद से अगर कोई भी दिक्कत हो, तो सबसे पहले आपको कल्केरिया फॉस दिमाग में आनी चाहिए। ऐसे जगहों पे आप नाइट्रम्यूर वगैरह इग्निशिया सोचोगे तो हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले। अर्निका भी सोच सकते हो इसमें, ठीक है। ग्रीफ, केयर्स, स्ट्रेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कि इस मेडिसिन में सडन बैड न्यूज के बाद से, ग्रीफ, ये सब, इन सब के बाद से दिक्कतें अगर हो तो कल्केरिया फॉस को ज़रूर सोचिए। सडन बैड न्यूज और कभी भी किसी चीज़ को संतुष्टि ना मिलना, ये की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमेशा सडन बैड न्यूज में आप लोग नाइट्रम्यूर की तरफ चले जाओगे, हालांकि उसमें भी है लेकिन ठीक है, एक होता है ना प्रोमिनेंसी, तो उसको देखना होता है। चिल्ड्रेन भी लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, वो भी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, कभी इधर कभी उधर वांडर ऑफ करते रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं। स्लो लर्निंग टू टॉक एंड वॉक, कल्केरिया का कंपोनेंट अब आ रहा है, स्लो लर्निंग टू टॉक, बोल नहीं ठीक से पा रहे हैं, 3 साल का हो गया है, 3 साल का बच्चा हो गया, चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आप कल्केरिया फॉस और भी तमाम मेडिसिन है जो आप सोच सकते हो। मॉर्निंग कंप्लेनिंग, ठीक है, अरे मुझे ये हुआ है, वो हुआ है, मतलब डिससेटिस्फाइड वाला ही चीज़ें यहाँ पर प्रोमिनेंट रूप में लिखा गया है, अलग रूप में। कैमोमिला का बच्चा है, ठीक है, किसी भी चीज़ से मतलब
हमेशा कंप्लेन करता रहता है, डॉक्टर साहब ये देखिए मम्मी ये देखिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप कलकेरिया फॉस सोच सकते हैं, ठीक है। डायरिया ड्यूरिंग डेंटेशन में टॉप मेडिसिन है, आपको पता ही होगा, मैक ग्रुप है, कलकेरिया ग्रुप भी अच्छा काम करती है। एग्रीवेशन हैंड लिफ्टेड फ्रॉम कार्डल अपवर्ड मोशन, दोस्तों अगर किसी छोटे बच्चों के लिए अप्लाई होता है कि अगर छोटे बच्चों को उठाया जाए, ठीक है, अपवर्ड मोशन कराया जाए तो बच्चा डर जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने अपोजिट टू बोरेक्स, बोरेक्स में डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत होता है, जब झूला नीचे आता है या फिर बच्चे को जब ऊपर फेंका जाएगा तो मज़ा आएगा, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो उतने ही उसकी हालत ख़राब होती है। तो वही है कि इसमें बच्चे को जब ऊपर जाता है यानी कि अपवर्ड मोशन से कलकेरिया फॉस के बच्चों को दिक्कत होती है। चिल्ड्रन स्लो डेवलपमेंट स्लो क्लोजिंग ऑफ फॉन्टेनल्स, ठीक है, तो चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है, जो फॉन्टेनल्स होते हैं हेड के वो धीरे धीरे बंद होते हैं, तब भी आप कलकेरिया फॉस सोच सकते हो। उसमें सेलिशिया भी है, हमने बताया है कलकेरिया कार्व खुद अपने आप में है, और भी मेडिसिन है जो स्लो डेवलपमेंट में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैक्सिमम फीचर्स कलकेरिया के थे, पीछे वाले वीडियो मतलब स्लाइड में फॉस्फोरस के थे, तो सम्मिलित रूप में मिल रहा है। दोस्तों डिफ्रेंसिएशन भी इनमें बहुत है, ठीक है, कि कलकेरिया और कलकेरिया फॉस को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे पहचानोगे। पहला तो बिग डिफ्रेंसिएशन क्या है कि कलकेरिया कार्व का पेशेंट मोटा होता है, ओबेज होता है, ठीक है, लेकिन कलकेरिया फॉस फॉस्फोरस के लग जाने की वजह से फॉस्फोरस लीन एंड थीन पर्सनैलिटी होती है, आपको पता होगा। तो कलकेरिया फॉस भी लीन एंड थीन पर्सनैलिटी है, ये बिग डिफरेंस है कि आपके बच्चे देख रहे हो कि ये है वो है ऐसा वैसा है मोटा तगड़ा है, ठीक है, लेकिन स्लो डेवलपमेंट है, ओपन फंडानल्स है, परस्पायरेशन बहुत ज़्यादा है कलकेरिया में, हालांकि इसमें भी मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हेड से बहुत ज़्यादा अगर परस्पायरेशन हो तो कलकेरिया की तरफ जाओगे, ठीक है। आगे और भी डिफ्रेंशिएट है, जैसे मेन रेमडी ऑफ ओवर स्ट्रेन स्कूल चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर स्ट्रेन कर देते हैं, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई मेंटल एग्जर्सन कर दिए या कुछ भी कर दिए, जिनके वजह से उनको कोई भी दिक्कत हो, खास करके हेडेक, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि स्कूल गोइंग गर्ल्स को हेडेक है ना, जिसमें नाइट्रामियोल भी पड़ी हुई है, कलकेरिया फॉस है, दो मेडिसिन हैं, जो मेडिसिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं धूप में जाते हैं या फिर ऐसे जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और उनको अगर जाने से अगर सर दर्द होने लगे तो आपको ये दो मेडिसिन ज़रूर रूल आउट करनी है। शॉक या एलिमेंट फ्रॉम सडन डेथ, ये मैंने बता ही दिया। डिजायर स्मोक मीट, दिस इज़ अ बिग डिफरेंस, अगर किसी बच्चे को मीट बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा ट्यूबरकुलिनम और कॉस्टिकम, पॉर्क मीट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर मिल रहा है तो हो सकता है बच्चा को कलकेरिया फॉस हो, या फिर फॉस्फोरस कंपोनेंट, फॉस्फोरस को मीट बहुत ज़्यादा पसंद है, स्मोक मीट, पॉर्क, ठीक है, बाकी फैट स्वीट स्पाइसी पीपर ये सब चीज़ें पसंद है, ठीक है। आप यहाँ पे लीड करके एक डिजायर पूछ सकते हो, एक डिजायर कलकेरिया को पसंद है, मिल्क एवर्जन कलकेरिया को पसंद है ना। वैसे यहाँ पे मीट अगर बोल दे बच्चा, एक से ज़्यादा प्रोमिनेंट सी मीट में मिल रहा है अगर, तो आप कलकेरिया फॉस की तरफ जाओगे या फिर देख लो कहीं फॉस्फोरस सिर्फ तो नहीं है बच्चा। चाइल्ड रिफ्यूज मदर्स मिल्क, ये भी कलकेरिया के लाइक ही है, और भी मेडिसिन एथुजा वगैरह में भी है कि चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं मम्मी के दूध को रिफ्यूज करते हैं, ये प्रोमिनेंट सिम्टम है। अगर कोई छोटा बच्चा ये बोल रहा है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। मैं तीन मेडिसिन का डिफ्रेंशिएशन किसी दिन बता दूंगा मैं, कलकेरिया कार्व, कलकेरिया फॉस और सेलिशिया में, ये तीनों बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि छोटे बच्चे में आप मेंटल प्रोमिनेंस इसीलिए नहीं मिल पाता है। स्वीट साल्ट एक मीट, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ये तीन ट्रायोज तो है ही है, एक से ज़्यादा प्रोमिनेंसी मीट पे ध्यान देना है, मीट इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो अगर छोटा बच्चा हो, ओपन फ्रंटनल्स हो, स्लो डेवलपिंग हो, ठीक है, थोड़ा सा आप डिस्कंटेंट कैसे सोच पाओगे, नेवर सेटिस्फाइड वाला, लेकिन कह रहा है कि मीट बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और मिल्क नहीं पीता बच्चा मम्मी का, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कलकेरिया फॉस की तरफ जा सकते हो अगर दुबला पतला बच्चा हो तो। दोस्तों हमेशा मतलब कोई भी स्पेसिफिक रूल्स ऐसा नहीं बना लेना कि हाँ ऐसा आएगा बच्चा, आप रिपीटाइज करना, फिर लीडिंग क्वेश्चन करके आप कुछ मेडिसिन को कंफर्म करना, ज़्यादातर इन्हीं मेडिसिन में से जो बच्चे होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। अब एलिमेंट फ्रॉम उस चीज़ को जो बताया गया है, सडन डेथ, वाकई में ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, और दूसरा इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं, अक्सर इसमें याद ही नहीं रहता कलकेरिया फॉस भी है,
अर्निका भी है। किसी को सडन डेथ हुआ, कान की आवाज़ ही चली गई, मोबाइल में बात कर रहे थे वहीं सुन गई, एक बेटे की डेथ हो गई। तो ऐसे जगहों पे आप सोच सकते हो, ठीक है। हेडेक स्कूल गोइंग गर्ल में प्रोमिनेंट सिम्टम, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस का आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हेड को दाहिने बाएं घुमाने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप एक बार कलकेरिया फॉस ज़रूर सोचिए सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में। बम्बूसा भी है, ठीक है, बम्बूसा भी सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। बाकी सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में कलकेरिया फॉस आप लोकली भी दे सकते हो, लेकिन बायोकेमिक में सिक्स एक्स में आप चला सकते हो कि सर्वाइकल आपके मेन मेडिसिन के साथ। काफ पेन में ये टॉप मेडिसिन है, ठीक है। कंप्लेनिंग थिंकिंग एग्रीवेशन, यानी कि जब अपने कंप्लेन के बारे में सोचता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो कंप्लेनिंग थिंकिंग एग्रीवेशन में कलकेरिया फॉस अच्छा सिम्टम लेके आती है। कोलिक जस्ट आफ्टर ईटिंग, या जैस इसमें एक प्रोमिनेंट सिम्टम है कि जैसे ही खाना खाना शुरू करता है पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये फर्स्ट मेडिसिन है। अगर ऐसा कोई सिम्टम बताए तो फर्स्ट मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन का मतलब, मेरा कहने का मतलब, हर वीडियो में बताता हूँ, टॉप मेडिसिन है जिसको आप अदर सिम्टम कन्फर्म करके दे सकते हो। तो खाना जैसे ही खाना शुरू करता है तुरंत पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खाना छोड़ के उसको पेट पकड़ना पड़ता है, अम्बलाइकस में पेन होता है, ठीक है। ऐसी कोई फीमेल है जिसका जितनी बार बच्चा हो रहा है उतनी बार हाइड्रोसिफेलस वाला बच्चा हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही आप मदर को दे सकते हो कलकेरिया फॉस। ऐसा देखा गया है कि अगर जिन बच्चे की मदर को बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है कि हाइड्रोसिफेलस बच्चा पैदा कर रही है, तो ऐसे बच्चों को आप जो है कलकेरिया फॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। तो हाइड्रोसिफेलस बार बार अगर हो रहा हो तो सोच सकते हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, जहाँ डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, काफ में पेन, काफ समझ रहे हो ना, काफ मसल्स पीछे थाई के नीचे वाला जो मसल्स आता है, ठीक है, और पेट में दर्द जस्ट आफ्टर या ड्यूरिंग ईटिंग, जैसे ही खाना शुरू कर देता है तुरंत पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो आप ऐसे जगहों पे सोचना है आपको। ये तीनों पॉइंट क्लिनिकली वेरीफाइड है, मतलब अच्छा इनका एक्शन है, ऐसा नहीं है कि काम करता होगा, इसमें काम करता है, आपको याद होना चाहिए। स्कूल गोइंग गर्ल में नाइट्रम म्यूर भी है, ठीक है, कलकेरिया फॉस भी। आपसे अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि स्कूल गोइंग गर्ल्स का हेडेक में टॉप मेडिसिन बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा नाइट्रम म्यूर और कलकेरिया फॉस, ठीक है। तो हमेशा से जो है मेडिसिन का की पॉइंट पढ़िए, बाकी तो आप अपने रेफरेंस में जो भी मटेरियल मेडिकल पढ़ते हो आप उसको पढ़िएगा। बाकी कलकेरिया फॉस, चूँकि कलकेरिया भी है और फॉस्फोरस भी लगा हुआ है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे रूमेटिज्म में, गाउट में, अर्थराइटिक पेन में, ठीक है, इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। स्टिफनेस है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत से लोग स्टिफनेस हो या फिर गाउट वगैरह में बायोकेमिक चला देते हैं, सिक्स एक्स पोटेंसी में आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। स्टिफनेस है, एग्रीवेशन मॉर्निंग है, एम्यूलेशन मोशन, रस्टॉक्स की मोडलिटी जो लगभग कि चलने फिरने से आराम मिलता है इनको, ठीक है। वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट में भी आप सोच सकते हो, बोन में प्रॉब्लम है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम है, ग्वाइकम वायला अड्रेटा काफ़ी अच्छा काम करती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जाके देखिएगा क्या होता है, जिनको नहीं पता है, ठीक है, थंब के आसपास पेन होता है, ठीक है। क्रैम्प्स वाइल राइटिंग, जब लिखता है तो हाथों में क्रैम्प्स पकड़ लेता है, नंबनेस एंड टिंगलिंग, ठीक है, तीन सब जगहों पे आप यूज कर सकते हो। दोस्तों कलकेरिया फॉस बोन रीयूनियन के लिए भी दिया जाता है, जैसे हड्डी टूट जाती है ना, प्लास्टर लगवा देते हो, वो लोग कुछ अपना देते हैं जो भी देते हैं, उसमें अगर आप कलकेरिया फॉस को भी ऐड कर दोगे ना बायोकेमिक, इसे 28 दिन बाद जब प्लास्टर कटा रहता है तो जो एक कच्चा प्लास्टर होता है फिर पक्का होता है, तो आप जैसे ही बोन टूटा उसने प्लास्टर कर दिया, तो आप कलकेरिया फॉस देना सही कर शुरू कर दीजिए, उनसे ज़्यादा तेज़ी से बोन जो है हील करेगी। मैंने इसमें कई बार दिया है, और मतलब कई बार तो डॉक्टर खुद सामने जब दोबारा एक्सरे करता है तो उसने बोला इतना जल्दी कैसे जुड़ गया, तो उनको बताया जाता है भाई हमने अपनी होम्योपैथिक दवा ऐड की है, तो लोग भी शॉक होते हैं कि इतना जल्दी कैसे अटैचमेंट हो जाता है, मतलब एक हफ्ते बाद जब पक्का करने के लिए बुलाते हैं। तो कलकेरिया फॉस सिक्स एक्स में आप उसमें यूज कर सकते हो, और भी मेडिसिन है, सिम्फाइटम वगैरह, ठीक है। दोस्तों डिसमिनोरिया का इसमें सबसे खास पॉइंट है क्या, कि आप कोई भी अगर मम्मी आए और बोले कि मेरी बेटी का डॉक्टर साहब पहले मेंसेस से ही इसका पेन गया नहीं, फर्स्ट मेंसेज आया था तब भी ये पागल हुई थी, मतलब पेन के वजह से, फर्स्ट मेंसेज इसका बहुत पेनफुल था और ये आज 25 साल की हो गई अभी भी परेशान हो गई है,
मैं अंग्रेजी करवा चुकी, होम्योपैथी करवा चुकी, दुनिया भर का दवा बताएगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी गर्ल्स का फर्स्ट मेंसेस से ही डिसमेनोरिया है, पेनफुल है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो फीमेल कलकेरिया फॉस हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत मतलब प्रोमिनेंट सिम्टम है। मैंने जितने भी इधर जनरल उठाए हैं वो सब प्रोमिनेंट है, पर्टिकुलर सिम्टम सब प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो डिसमेनोरिया तो बहुत सी मेडिसिन में है, लेकिन इसका खास क्या बात है कि फर्स्ट मेंसेस से ही डिसमेनोरिया है और कभी ठीक नहीं हुआ। बाकी लिकोरिया है, डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बलाइकस इन बेबीज़, इसमें भी आप यूज कर सकते हो कि डिस्चार्ज हो रहा है अम्बलाइकस से बेबी से, तो लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एब्रोटेनम है, शलिशिया है, और भी मेडिसिन है। एब्रोटेनम मेरे हिसाब से अगर पस आ रहा हो तो शलिशिया की तरफ जाओगे, बाकी एज यूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है तो आप कैलगेरिया फॉस या फिर एब्रोटेनम। अक्सर छोटे बच्चों की नाभि पक जाती है, ठीक है, तो अगर रिपर्टरी के थ्रू जाओगे तो मेरे हिसाब से शायद एक ही दवा है अगर अम्बलाइकस में, देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बलाइकस इन बेबीज में एब्रोटेनम नहीं भूलना है आपको, ठीक है। फिर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, नोट्स बनाइए इसको और इसको समझने की कोशिश करिए कि हम क्या क्या चीज़ें बताए हैं, किस वे में बताए हैं, क्या क्या खास पॉइंट है, और आप डिफ्रेंशिएट खुद करिए, क्योंकि कलकिरिया कार्प का भी वीडियो पड़ा हुआ है, शलिशिया का भी वीडियो पड़ा हुआ है, और आज कलकिरिया फॉस का भी पड़ गया, इवन ट्यूबरकुलिनम का भी वीडियो पड़ा हुआ है। तीन सब वीडियोज़ को देख के आप डिफ्रेंशिएट करिए क्या क्या अंतर है। ओके गाइस, थैंक यू।